सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ धनु लग्न धनु राशि के विषय में। तो लग्न भाव में शनि विराजमान है तो आप थोड़े से धीमे बने हुए हैं, थोड़े से आलसी बने हुए हैं, जिस वजह से आपका जो है मन काम में लग नहीं रहा है। तो आलस को दूर भगाइए और अपने काम में फोकस कीजिए, थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम कीजिए जिससे आलस आपका भाग जाएगा। द्वितीय भाव खाली पड़ा हुआ है, तृतीय भाव में केतु विराजमान है तो पराक्रम भी थोड़ा सा आपका लो हुआ है। तो पराक्रम जब थोड़ा लो होता है तो काम करने में इंसान की इच्छा कम हो जाती है और काम भी बहुत स्लो चलता है। चतुर्थ भाव खाली है, पंचम भाव में शुक्र और बुध विराजमान है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक युति बनी हुई है शुक्र और बुध की। जब पंचम भाव में शुक्र बुध विराजमान होते हैं तो इंसान को काफ़ी सारा टैलेंट देते हैं और उस टैलेंट की वजह से आपका काम भी शायद अच्छे तरीके से आप कर पाएं, लेकिन आलस की वजह से काम जो है आपका धीमा चलेगा। छठे भाव में सूर्य विराजमान है तो शत्रुता भी आपकी बनी हुई है, शत्रु भी आपके पीछे लगे हुए हैं तो सावधान रहिए। सप्तम भाव में मंगल विराजमान है तो जब सप्तम भाव में मंगल और लग्न में शनि एक दूसरे को समसप्तक दृष्टि से जब देखते हैं तो इस अवस्था में जो है वो स्थान गर्म होता है, मतलब सप्तम भाव और लग्न भाव दोनों ही गर्म होता है। इस वजह से क्या होगा कि आपका आपकी पत्नी के साथ, अगर पत्नी है तो पति के साथ कुछ खिटपिट हो सकती है, तो सावधानी पूर्वक एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की समस्याओं को समझिए और सल्यूशन निकालिए। अष्टम भाव खाली पड़ा हुआ, अष्टमेश भाग्य भाव में राहु के साथ विराजमान है तो किस्मत भी थोड़ी सी लो है। इस महीने आप जो भी काम करेंगे उस हिसाब से आपको आउटपुट नहीं मिल सकता, तो सावधानी से बिल्कुल हिसाब से काम कीजिए जिससे किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दशम भाव में गुरु विराजमान है तो कर्म की जगह पे लगभग परफॉर्मेंस आपका अच्छा है लेकिन उस हिसाब से आपको आउटपुट शायद ना मिल पाए। एकादश भाव खाली है, द्वादश स्थान भी खाली है तो इस हिसाब से ओवरऑल धनु लग्न वालों का ये महीना ठीक ठाक जाएगा। बस और बस सावधानी से अपना काम करना है जिससे आपका काम भी हैम्पर ना हो और आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही ठीक तरीके से चले। तो दोस्तों ये था धनु लग्न धनु राशि के विषय में। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।